हेलो दोस्तों, मॉम एंड सिस किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मठरी की रेसिपी, जो एक यूनिक और नई तरीके की मठरी है, जो एक स्पेशल तरीके से बनाएंगे हम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/4 कटोरी सूजी बारीक वाली, साथ ही 4 टेबल स्पून देसी घी, 1 टीस्पून अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हमने 1 टीस्पून लिया है। फ्रेंड्स, अगर हम ग्राम में देखें तो 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम सूजी है, जिससे हम अपनी मठरी तैयार करेंगे। सबसे पहले एक बड़े बाउल में छलनी रखेंगे, उसमें हम मैदा डाल के मैदा को छान लेंगे। फिर इसमें आटा डाल देंगे, आटे को भी छान लेंगे थोड़ा सा, साथ ही सूजी डाल देंगे और इन तीनों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद हम इसमें नमक और ये अजवाइन, फ्रेंड्स अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। और ये देसी घी डाल देंगे, इसका मोयन लगाएंगे। ये देखिए, ये 4 चम्मच घी है, इसको हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, इतने आटे में 4 चम्मच घी लग जाएगा और जब हम इस तरीके से मिक्स करके मुट्ठी बनाएंगे तो ये इस तरीके से इकट्ठा होने लगेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, डो को हमें एकदम स्मूथ नहीं बनाना है, ये जो डो बनकर तैयार होगा ये थोड़ा खिला खिला रहेगा, इसको हमें हाथों की सहायता से इस तरीके से रब कर कर के गूंथना है, इससे मठरी बहुत ही खस्ता बनेगी। ये देखिए इस तरीके से, ये आटा गूंथने लग गया है, ज़रूरत के हिसाब से और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, लगभग 1/2 टीस्पून। अब ये इकट्ठा होने लग गया है, देखिए आप इसको ढककर 15 मिनट के लिए इस स्टेज पर रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के देखेंगे, थोड़ा सा आटा सेट हो गया है, इसको हमें हाथों से और मसलना है। फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा आटा खिला खिला रहेगा। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। देखिए, लोई बनने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, इस तरीके से सभी की लोइयां बना के रख लेंगे हम। इस तरीके से ये लोइयां तैयार कर ली हैं हमने। अब हम एक लोई को उठाकर इस तरीके से रोल करेंगे। फ्रेंड्स, हमें रोल ऐसे करना है लोई को, ताकि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मोटा रहे और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला रहे, और इसको हम एक डिज़ाइनदार मठरी बनाएंगे, जैसे शंख की आकार होता है उस तरीके से। तो हम ये 2 तरीके के कंघे लिए हैं हमने, इनकी सहायता से हम इस तरीके से मठरी को शंख की शेप देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया मठरी बनके तैयार हुई है, ये दूसरी भी बनाते हैं हम। ये देखिए, ये ऊपर से मोटा रहता है और नीचे से थोड़ा सा पतला रखेंगे, तभी वो प्रॉपर शेप आएगी।
और दूसरे कंघे को इस तरीके से रख के हम नीचे की तरफ को प्रेस कर देंगे और ये एक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है, ये देखने में भी सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें कंघा एकदम नया लेना है और इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। कोई यूज़ किया हुआ कंघा हमें यूज़ नहीं करना है। ये देखिए सारी मछलियाँ बनके तैयार हो गई और ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं देखने में। अब हम फ्राई करेंगे मछली को। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, एक एक करके हम मछली इसमें डाल देंगे। जितनी मछलियाँ हमसे हैंडल हो जाएंगी हम उतनी मछली इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इनको फ्राई करने के लिए हमें ऑयल मीडियम हॉट रखना है। मछलियाँ हमारी ऊपर आ गई हैं सिक के, अब हम इनको पलट देंगे। गैस को हमें मीडियम ही रखना है, तेज आंच पर इसको नहीं बनाएंगे। मछलियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है इसमें। फ्रेंड्स, अगर आप इनको इससे ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो आप इसको और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। हम इनको ऐसे ही उतार लेंगे, ये ठंडा होके और थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है इनका। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं ये मछली। इनको मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। ये सारी मछलियाँ हमने तैयार कर ली हैं, अब इनको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नई तरीके की मछली की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।